हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द मायाज हिंदी। आज की वीडियो में गाइस मैं आपको सेंट आयुर्वेदा ब्रांड के आर्थराइटिस केयर कैप्सूल के बारे में रिव्यू दूंगी। इसके बारे में बताऊंगी कि ये कैप्सूल आपके बॉडी को, आपके शरीर को किस तरीके से फायदा देता है। डिटेल में गाइस आज अपन इसका रिव्यू करेंगे, बेनिफिट, साइड इफेक्ट, यूजेस, प्राइस, डोज इन सबके बारे में। तो गाइस यदि आप जोड़ों के दर्द, कमर दर्द, घुटनों के दर्द, क्रैकिंग साउंड जैसी आवाज आती है या फिर स्टिफनेस को रिमूव करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा अमेजिंग और इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो पूरी वीडियो को देखना ना भूलें, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पर प्रेस कर दें जिससे जो भी हम वीडियो डालते हैं उनका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। तो चलिए दोस्तों बिना टाइम वेस्ट के अपन बात कर लेते हैं सेंट आयुर्वेदा ब्रांड के आर्थराइटिस केयर कैप्सूल के बारे में, जिसकी पैकेजिंग के अंदर गए 60 कैप्सूल प्रेजेंट है, जिसका उपयोग आपके संधि सोथ दर्द, घुटने और घुटने के दर्द से राहत देने में किया जाता है। जोड़े की लचीलेपन को बढ़ाता है, जोड़ों को फ्लेक्सीबल बनाता है और जो चलते टाइम में क्रैकिंग की आवाज आती है, क्रैकिंग साउंड होता है, तो उससे भी राहत देने में मदद करेगा। इंग्रेडिएंट के बारे में बात करें तो दोस्तों इसमें कोई भी हार्मफुल केमिकल नहीं है जो आपके शरीर को कोई नुकसान पहुंचाए। इसके अंदर इंग्रेडिएंट के रूप में बोस्वेलिया, सेरेटा और कुरकुमा, लौंगा, जिंजिवर और भी बहुत सारे इंग्रेडिएंट है जो कि आपके जोड़ों के दर्द से राहत देने में मदद करेंगे। डोज की बात करें तो डेली अपन को एक कैप्सूल लेना है। आफ्टर मील कोई कंफ्यूजन या डाउट है तो एक बार आप डॉक्टर से कंसल्ट कर लें कि किस तरीके से सेवन करना है, किस तरीके से नहीं करना, क्योंकि गाइस हर किसी की बॉडी की स्थिति अलग अलग होती है, मेडिकल स्थिति अलग अलग होती है, किसी को फायदा देती है तो किसी को नुकसान भी कर सकती है। इसलिए डॉक्टर से कंसल्ट किए बिना आप इसका इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें, ना ही आप इसे ओवर डोजेस लें। गाइस यदि आप पहले से किसी बीमारी से सफर कर रहे हैं या फिर जोड़ों की तकलीफों से राहत पाने के लिए अन्य प्रकार की दवा का इस्तेमाल कर रहे हैं तो इस कैप्सूल को लेने से पहले आपको डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करना है। डॉक्टर से कंसल्ट किए बिना इसका इस्तेमाल नहीं करना, ना ही ओवर डोजेस लेना है। प्राइस की बात करें तो गाइस इसका प्राइस कोई फिक्स नहीं है, टाइम के अकॉर्डिंग ऊपर नीचे होता रहता है। 60 कैप्सूल गाइस आपको 315 रुपए में मिलेंगे, जिसे आप ऑनलाइन खरीद सकते हैं, मार्केट से परचेज कर सकते हैं, जैसा भी दोस्तों आपको सही लगे आप इसे वहां से खरीद सकते हैं, वो आपकी चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है। मैं तो गाइस आपको यही सजेस्ट करूंगी कि जहां भी आपको सस्ता अफोर्डेबल मिले आप इसे वहीं से परचेज करें। वैसे तो गाइस हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस प्रोडक्ट का लिंक मेंशन कर रखा है, अगर आप चाहें तो उस लिंक पर क्लिक करके भी इस प्रोडक्ट को खरीद सकते हैं। याद रखें गाइस, कोई भी प्रोडक्ट परचेज करें तो सबसे पहले उसकी मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपायरी डेट आप जरूर चेक कर लें। कुछ लोग गाइस एक्सपायरी डेट देखे बिना ही प्रोडक्ट को परचेज तो कर लेते हैं, फिर उसका इस्तेमाल करते हैं तो उन्हें साइड इफेक्ट होने लगते हैं। इसका मेन रीजन ये है कि आपने एक्सपायरी प्रोडक्ट का इस्तेमाल किया है तो ऑब्वियसली बात है गाइस उसका साइड इफेक्ट तो होना ही होना है। तो हमेशा ध्यान रखना है कि आप जो भी प्रोडक्ट परचेज करें तो सबसे पहले उसकी मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपायरी डेट तो अपन को चेक करनी ही करनी है। बेस्ट प्रोडक्ट है गाइस, आपके शरीर को हेल्थी स्वस्थ बनाए रखने में मदद करेगा और घुटनों के दर्द, जोड़ों के दर्द से इस प्रकार की तकलीफ से आपको आराम देने में मदद करेगा। बस आपको इसे ओवर डोजेस नहीं लेना है, ना ही डॉक्टर से कंसल्ट किए बिना इस्तेमाल करना है। सो गाइस आज की वीडियो में बस आपको इतना ही बताना चाहूंगी। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक कीजिए, फ्रेंडों के साथ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए जिससे आपको हमारे नए नए वीडियो की अपडेट मिलती रहे, नई नई जानकारियां मिलती रहे। और गाइस बेल आइकन पर जरूर प्रेस कीजिए जिससे जो भी हम वीडियो डालते हैं टाइम टू टाइम आपके पास पहुंचती रहे और इस प्रोडक्ट के रिगार्डिंग आपका कंफ्यूजन भी दूर होता रहे। फिर भी गाइस यदि आपको इस प्रोडक्ट के रिगार्डिंग या किसी अदर प्रोडक्ट के रिगार्डिंग किसी भी प्रकार की कोई जानकारी जाननी चाहिए हो तो आप कमेंट बॉक्स में भी कमेंट कर सकती हैं, हम आपके लिए हमेशा अवेलेबल रहेंगे, आपकी सहायता जरूर करेंगे। सो गाइस हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।